किसान साथियों, अगेती गोभी की खेती हमेशा से जो है एक बहुत ही प्रॉफिटेबल खेती रही है, क्योंकि अगर आप गोभी की खेती करते हैं, गोभी हालांकि ठंड की मौसम की जो है फसल होती है, लेकिन अगर आप जून पर जो है गोभी लगाते हैं तो उस समय आप देखेंगे कि गोभी का जो जब हार्वेस्टिंग आपका होगा, स्टार्ट होगा, तो उस समय पर आपको 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपये तक भी आपको जो है पर केजी गोभी का रेट देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से ज़्यादातर जो किसान है वह अगेती खेती करते हैं और प्रति एकड़ 2 से 2.5 लाख तक की कमाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक सी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं, साथ में सही वैरायटी का चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप अगेती खेती कर रहे होते हैं, तो तभी आपका जो फसल है वह एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएगी और आगे आप एक बेहतरीन उत्पादन लेके आ सकते हैं। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, ध्यान देने वाली बात है, भूमि का जो चुनाव है, सिलेक्शन है, खेत की जो तैयारी है वह बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है किसान साथियों। तो खेत की तैयारी आपको किस तरीके से करना है, पहले आपको अभी जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो अभी आप तुरंत एक बार जो है गहरी जोताई करा ले। गहरी जोताई कराने के बाद आपको कुछ समय तक वेट करना है, उसके बाद भूमि को इस तरीके से समतल करना है जिससे पानी का जो जमाव है वह पानी जो है सपाट निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे जो है बारिश काफ़ी होने वाली है, बारिश का सीजन आने वाला है, तो पानी का जो ठहराव है वह नहीं होना चाहिए किसान साथियों। उसके बाद जो है आप एक बार और गहरी जुताई करा ले, उसके बाद रोटावेटर चलाकर भूमि को अच्छी तरीके से भुरभुरा कर ले। भूमि जो है अगर अच्छी उत्पादन के लिए अगर हम बात करें तो दोमट मिट्टी है, बलुई दोमट है, इस पर सर्वोत्तम जो है माना गया है यह जो मिट्टी है उसको गोभी की खेती के लिए, जिसका जो पीएच मान है वह 5.5 से लेकर 5.8 पॉइंट होना चाहिए। उस पर आप एक बेहतरीन जो प्रोडक्शन है वह निकाल सकते हैं। तो आपको बेड विधि से ही आपको जो गोभी है उसकी खेती करना है अगर आप अगेती खेती कर रहे हैं तो बेड से बेड की दूरी किस तरीके से आपको बेड की जो तैयारी है वह करना चाहिए। तो बेड का जो तैयारी है, बेड प्रिपरेशन है, वह आपको जो बेड से बेड की दूरी के साथ साथ ही वह आपको 3 फीट रखना है, और जो बेड का जो चौड़ाई है वह आप 2.5 फीट रख सकते हैं, 3 फीट रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि कितने लाइन आप जो है गोभी उस बेड के ऊपर आप जो है लगाने वाले हैं, और बेड का जो हाइट है वह आप 1 फीट रख सकते हैं किसान। तो अगर आप 2.5 फीट रख रहे हैं बेड को, तो वैसे पर आप 2 लाइन से जो गोभी है उसको लगा सकते हैं। तो इसमें बेसल भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि एक बार में जो गोभी है वह हार्वेस्टिंग हो जाता है, दूसरा मान के चलो फूल नहीं लगता, तो वैसे में बेसल भरना बेहद ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो बेसल में जो है आपको क्या क्या भरना चाहिए किसान साथ, तो बेसल डोज में आपको जो है अगर आपके पास अच्छी तरीके से सड़ी गली हुई गोबर की खाद है तो आप 1 से 2 ट्राली आप जो है गोबर खाद आपको प्रति एकड़ के हिसाब से बेड प्रिपरेशन के बाद आपको जो है बेड पर डाल देना है। साथ में आपको जो न्यू लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है किसान साथियों, उसको भी आपको जो है 1 क्विंटल यानी कि 4 बॉक्स आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो बेड है उस पर डाल देना है। ऑर्गेनिक चीज़ों को डालना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है किसान साथियों, इसमें आपका जो फसल है वह एक बेहतरीन ग्रो करता है, और जो भूमि है वह जो है लगातार उत्पादन मतलब उपजाऊपन जो है उपजाऊ बना रहता है। अगर आप रासायनिक तरीके से डालते जाते हैं तो आपका जो भूमि है वह कठोर होता जाता है, और आपको जो है जीवन भर आपको आपके बच्चे को भी आप वहाँ पर जो है खेती ही करना है, तो आपको जो जैविक तरीका है उसको भी अपनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आप गोबर खाद डाल सकते हैं, साथ में आप जो है 1 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप न्यू लीफ खाद को जो है डाल सकते हैं, और न्यू लीफ खाद अगर आप डालते हैं तो उसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं किसान साथियों कि उसमें सभी प्रकार का जो 15 से 16 पोषक तत्व है, प्राइमरी सेकेंडरी और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सभी जो पोषक तत्व है वह न्यू लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसमें जो है उपस्थित है। अगर आप एक चीज़ वहाँ डाल देते हैं बेसल में तो आपको अन्य कोई चीज़ डालने की आवश्यकता वहाँ पर नहीं पड़ने वाली, तो आप जो है न्यू लीफ खाद को जो है डाल सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन उत्पादन आपको उसके वजह से देखने को मिलने वाला है, फसल आपका जो है लंबे समय तक हरा भरा रहेगा और फूल भी जो है काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलने वाला है। आप कोई भी स्टेज पर जो है न्यू लीफ को जो है खाद को जो है आप गोभी पर डाल सकते हैं, और अन्य भी फसल हो अगर आप तो उस पर भी आप डाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और सभी फसल पर आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलने वाली है। तो आपको न्यू लीफ जो खाद है उसको अवश्य डालना है किसान साथियों। यह तो हो गई बेसल की बात किसान साथियों, अब उसको उसके बाद जो है किसान साथियों आपको 8 से 10 दिन पहले बेसल भरना होता है, उसके बाद आप जो है नर्सरी तैयार कर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पौधे से पौधे की दूरी आप 1 फीट रख सकते हैं। इस तरीके से आप जो है गोभी के लिए बेड की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अब हम वीडियो के अंत में जान लेते हैं किसान साथियों टॉप 5 उन्नत किस्में जिसमें आप अगेती खेती कर एक बेहतरीन जो प्रॉफिट है वह जनरेट कर सकते हैं।
तो उसमें से पहला जो हमारा वेरायटी किसान साथी वह है सिजेंटा कंपनी का 15x22, काफ़ी बेहतरीन वेरायटी है, एक बेहतरीन उत्पादन आपको देखने को मिलने वाली है। दूसरा जो वेरायटी किसान साथी वह है अरली कुंवारी, यह भी जो वेरायटी है वह अरली गोभी की खेती के लिए जाना जाता है, तो आप यह वेरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। एक बात आपको बता दूं किसान साथियों, अगेती आप गोभी की खेती कर रहे हैं तो आपको साइज़ में जो है कमी देखने को मिल सकती है। आप जब ठंडी के मौसम पर करते हैं तो उस समय पर आप 1 kg 900 ग्राम इस तरीके का साइज देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप इस समय पर कर रहे हैं तो 400 ग्राम 500 ग्राम के आसपास जो है आप कोई भी वेरायटी ले आपको उतना ही साइज देखने को मिलने वाला। अगला जो हमारा वेरायटी किसान साथी वह है पूसा दीपाली, यह भी वेरायटी को काफ़ी बेहतरीन माना गया है। उसके बाद अगला जो हमारा वेरायटी है किसान साथी वह है पूसा कार्तिकी, और लास्ट में जो हमारा वेरायटी है वह है समर किंग। तो इन पाँचों में से आप कोई भी वेरायटी का गोभी का अगेती खेती कर एक बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो, और अगर आप न्यू लीफ ऑर्गेनिक जो मैनुअल है उसको मंगवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिख जाएगा, स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप सिर्फ व्हाट्सएप करें, कंपनी खुद आपको कॉन्टैक्ट करेगी, आपको कॉल करने की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।